नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका कृष्णा आईएएस की इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में स्वागत है। और ये प्रोग्राम हमने खास करके उन विद्यार्थियों के लिए बनाया है जो दिल्ली नहीं आ सकते हैं और जो अलग अलग क्षेत्रों में, भारत के अलग अलग भागों में बैठकर अपनी तैयारी कर रहे हैं। और उनके लिए हमने एक ऑनलाइन आंसर राइटिंग कोर्स प्रारंभ किया है। बेसिकली ये कोर्स जो है आगामी बीपीएससी मेंस के लिए तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत हम आपको ये सिखाएंगे कि एंथ्रोपोलॉजी का प्रश्न का आंसर कैसे लिखेंगे, कैसे एक स्टैंडर्ड आंसर राइटिंग क्वालिटी आप अपने आप में डेवलप कर सकते हैं। और इसके स्किल को डेवलप करने के लिए हमने आपके साथ एक नए प्रोग्राम के साथ हम जुड़ रहे हैं। जो लोग इस प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहें वो कृष्णा आईएएस के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, और फिर उसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रोग्राम बनाया है, और जिस प्रोग्राम में मूल रूप से हमारा ये काम है कि हम आंसर कैसे लिखें। तो जो लोग इसके साथ, इस प्रोग्राम के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, उनको कुछ खास चीज़ें करनी होगी। जैसे अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एंथ्रोपोलॉजी आपका ऑप्शनल है, तो एंथ्रोपोलॉजी के आंसर राइटिंग के लिए आपको कुछ खास पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम पूरी तरह से हाउ टू राइट आंसर पर फोकस है। लेकिन किसी विषय का जब हम आंसर लिखने जाते हैं तो आंसर लिखने के पहले हमारे पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। और इसलिए पहला चीज़ तो ये है कि आंसर राइटिंग के पहले आप पूरी ही सब्जेक्ट मैटर को एक तो तैयार कर लें, राइट। आपके पास पूरी विषय वस्तु होनी चाहिए, जो सिलेबस में जो विषय दिया गया है वो सारे विषय आपके पास होना चाहिए, उसके एक इनरिच कंटेंट होनी चाहिए। दूसरा, जब आप पे नोट्स बनाते हैं और आंसर राइटिंग का प्रयास करने जाते हैं, तो आंसर राइटिंग के लिए कीवर्ड्स, एंथ्रोपोलॉजी में जितने भी कीवर्ड्स हैं जिसका हम यूज़ करेंगे, उसके बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे समान रूप से सामाजिक सांस्कृतिक जो मानव विज्ञान है, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, तो इस सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत जो सेकंड टॉपिक आपका है, जिसमें कई टर्म्स हैं, जैसे सोसाइटी, राइट, कल्चर, सिविलाइजेशन, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल ग्रुप, कम्युनिटी, एसोसिएशन, बैंड, ट्राइब। तो एक तो जब आप सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत इस टॉपिक को तैयार करने जाएं, तो इसके प्रत्येक जो कंसेप्ट है, इस प्रत्येक कंसेप्ट का 2 से 3 लाइन में आप कीवर्ड को नोट करके रखने का प्रयास करें। क्योंकि सबसे जो ज़्यादा दिक्कत होती है किसी भी प्रश्न के आंसर लिखने में, वो दिक्कत ये होती है कि आंसर की शुरुआत कैसे करें। और आंसर राइटिंग में जब हम आंसर को शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें कीवर्ड चाहिए। और इसलिए पूरे जो एंथ्रोपोलॉजी के विषय वस्तु हैं उसकी कीवर्ड आपको तैयार रखना चाहिए। आगे में अगर इसके आगे के टॉपिक को आप देखेंगे, जिसमें हमें मैरिज पढ़ना है, फैमिली पढ़ना है, किन्सी पढ़ना है, तो वहाँ भी कई कीवर्ड हैं। जैसे मैरिज को आप कैसे परिभाषित करेंगे, अगर मैरिज से क्वेश्चन आता है तो कुछ कीवर्ड आपके पास मैरिज के संदर्भ में होना चाहिए, कुछ फैमिली के संदर्भ में होना चाहिए, कुछ किन्सिप के संदर्भ में होना चाहिए, डिसेंट किसको कहते हैं ये कीवर्ड आपको एकदम से लिख के रखना चाहिए, अलायंस किसको कहते हैं, हम क्लान किसको कहते हैं, लीनियज किसको कहते हैं, फ्रेट्री किसको कहते हैं, मॉइटी किसको कहते हैं,
किंडर्ड किसको कहते हैं, इस टाइप के जो टर्म हैं उस टर्म को आप नोट करके रखें और आंसर राइटिंग के पहले इस तरह का वर्क हो जाना चाहिए। क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करने जाएंगे और किसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि डिसेंट से आप क्या समझते हैं, किनसिप से आप क्या समझते हैं, या किनसिप थ्योरी की बात अगर किया जाए या डिसेंट ग्रुप की बात किया जाए, तो फिर भी हमें डिसेंट को परिभाषित करना होता है। और इसलिए हमें वहाँ पर कीवर्ड बहुत ही आवश्यक होता है। इसी प्रकार से अगर इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी आप पढ़ने जाते हैं और उसमें हम टर्म यूज करते हैं रेसिप्रोसिटी या सेरेमोनियल एक्सचेंज या हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन या मार्केट की ही बात होती है या ट्रेड की ही बात होती है, तो इस तरह के जो टर्म हैं उन सारे टर्म को आप कलेक्ट करके और पहले से ही तैयार कर लें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती होगी। दूसरी चीज़ के टर्म के साथ साथ पूरे कंसेप्ट को आप पहले से तैयार करके रखें, तभी जाकर के आप आंसर राइटिंग अच्छे तरीके से कर पाएंगे, अदरवाइज आंसर राइटिंग में समस्याएं होती है। इसी तरह से रिलीजन का टॉपिक है जिसमें आप एनिमिज्म, एनिमेटिज्म, टोटेम, टेबू, ये सब कीवर्ड है, इससे रिलेटेड कीवर्ड आप सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत तैयार रख सकते हैं। इसी तरह से अगर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी जैसे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से संबंधित बहुत सारे कीवर्ड हैं, जैसे माइक्रो इवोल्यूशन किसको बोलते हैं, मैक्रो इवोल्यूशन किसको बोलते हैं, या म्यूटेशन किसको बोलते हैं, जीन रिकॉम्बिनेशन क्या है, आइसोलेशन क्या है, माइग्रेशन क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, नेचुरल सिलेक्शन क्या है। फिर अगर हम एप और मैन के बीच अगर तुलना करने जाते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड हैं जिसके एग्जैक्ट आपको मीनिंग आनी चाहिए। फॉसिल्स के अंतर्गत भी पार्टिकुलर फॉसिल्स के संदर्भ में हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए। पायलोजेनेटिक पोजिशन जो आप लिखते हैं उसका मतलब क्या है। इसी तरह से मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आप पढ़ने जाएंगे तो उसके जो लॉ है मेंडल के 3 या 4, तो उनको आप पूरी तरह से तैयार रखें। फिर प्रजाति के अंतर्गत भी आप इस तरह के चीज़ को कर सकते हैं और पूरी कीवर्ड तैयार करके और तब आप आगे की ओर आंसर राइटिंग में जाएं। इसके साथ ही सेकेंड पे तो वर्ण व्यवस्था क्या है, आश्रम व्यवस्था क्या है, पुरुषार्थ क्या है, कर्म और ऋण की अवधारणा क्या है, जाति को कैसे हम परिभाषित करेंगे उसके लिए कीवर्ड हमारे पास आनी चाहिए। प्रभु जाति, जाति जनजाति, निरंतरता, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लघु परंपरा, बृहद परंपरा, सार्वभौमिकरण और संकुचितीकरण या स्थानीयकरण, या फिर आप ट्राइबल डेवलपमेंट से संबंधित बहुत सारे प्रोग्राम हैं उसकी एग्जैक्ट आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दूसरा जो आप महत्वपूर्ण काम आंसर राइटिंग के लिए करें उसमें आप कीवर्ड को तैयार रखें। कीवर्ड के बाद जो है आंसर राइटिंग अगर आप करना चाहें बहुत बेहतर से कि पहले हम आंसर राइटिंग के फॉर्मेट को डेवलप कर लें, तो तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और इंडियन एंथ्रोपोलॉजी ये दोनों के लिए आप टॉपिक वाइज केस स्टडी का कलेक्शन कर लें, राइट? केस स्टडी का कलेक्शन आपको होना चाहिए क्योंकि बिना केस स्टडी के फिर बहुत अच्छा मार्क्स नहीं मिल सकता है। इसलिए आप कोशिश करें कि केस स्टडी, बहुत सारे केस स्टडी एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा किया गया है, जैसे अगर आप जाएं मैरिज को पढ़ने, फैमिली को पढ़ने और प्रिंसिप को पढ़ने जाएँ तो जीपी मडक का केस स्टडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह से किनसिप टर्मिनोलॉजी पढ़ने जाएं तो मॉर्गन का भी, एलएच मॉर्गन का, जीपी मडक का भी, या फिर किनसिप टर्मिनोलॉजी में लेवी स्ट्रॉस ने भी काम किया है, उनके केस स्टडी को आप कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप किनसिप सिस्टम को ही पढ़ने जाएँ तो रेडक्लिफ ब्राउन का जो केस स्टडी है बंटू ट्राइब पर है या अनमानिस पर है, या फिर लेवी स्ट्रॉस का भी केस स्टडी किनसिप पर है,
इसके अलावा आप इकोनॉमी के अंतर्गत भी अगर आप जाते हैं पढ़ने, तो मिल्वस्की का केस स्टडी जो है आपका टोबियन आइलैंडर्स पर है, तो इन सारे केस स्टडी को मेरा सुझाव ये है कि आप टॉपिक वाइज कलेक्ट कर लें पहले, और तब जाकर के आप आंसर राइटिंग की तैयारी करें। और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत ये सबसे सॉलिड पार्ट है एंथ्रोपोलॉजी का, और इसके अगर पूरे कंसेप्ट आप को तैयार है तो जाकर के आप बेहतर तरीके से आंसर लिख सकते हैं। तो ये तो हुई कि आपको प्रारंभ में जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए, राइट। किसी भी प्रश्न के आंसर राइटिंग के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। थैंक यू।